आज मैं आपके सामने राज्य और उनसे संबंधित कुछ रोचक जानकारी का पार्ट टू लेके आया हूँ, जिसके बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में 15 राज्य और उनसे जुड़ी जानकारी के बारे में बताया था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला स्टेट आ रहा है हमारा मेघालय। मेघालय स्टेट आ रहा है जिसकी कैपिटल क्या है, शिलोंग, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री कोनराड कोंकाल संगमा और सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है। साथ में इनका फोटो भी दिखाया गया है। ये हैं हमारे चीफ मिनिस्टर जी और ये हैं गवर्नर। इनके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं आपको। मेघालय पूर्ण राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आया था। मेघालय जिसका शाब्दिक अर्थ है मेघों का आलय यानी बादलों का घर, मूलतः एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ मुख्यतः खासी जातियाँ और गारो आदिवासी समुदायों के लोग रहते हैं। बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है मिजोरम। आइजवाल इसका कैपिटल है। श्री पू जोरामथंगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। पी एस श्रीधरनी पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। मिजोरम एक पर्वतीय प्रदेश है। फरवरी 1949 को यह भारत का 23वां राज्य बना। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले तक ये असम का एक जिला था। यहाँ की राजधानी आइजोल है। बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। श्री नेफ्यू राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं। नेफ्यू राव जी की फोटो यहाँ पे है और साथ में आर एन रवि जी की। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी साथ में फोटो देख के भी। तो इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं नागालैंड के बारे में। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारतीय राज्य का 16वां राज्य बना। नागालैंड पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ प्रदेश है। पहले इसका नाम नगा हिल्स त्वेनसंग क्षेत्र था। बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है हमारा ओडिशा, जिसका कैपिटल है भुवनेश्वर। श्री नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं। साथ में इनका फोटो भी लगाया गया है। तो आइए उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। उड़ीसा, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार उड़ीसा भारत का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। उड़ीसा भाषा राज्य की आधिकारिक और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो अगला स्टेट है हमारा पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दो राज्यों की राजधानी है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है बीपी सिंह भडनौर। साथ में अमरिंदर सिंह और बीपी भडनौर जी की भी फोटो लगाई गई है। पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है जो पंजाब क्षेत्र का एक भाग है। इसका दूसरा भाग पाकिस्तान में है। जब बंटवारा हुआ तो आधा भाग इंडिया में आया और दूसरा भाग हमारा चला गया पाकिस्तान में। पंजाब राज्य की कुल जनसंख्या के बारे में बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 2,70,43,336 और कुल क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है जो कि हरियाणा की भी राजधानी है। अगले स्टेट की बात करते हैं तो अगला स्टेट है राजस्थान, जिसका कैपिटल है जयपुर और चीफ मिनिस्टर हैं श्री अशोक गहलोत, गवर्नर कालराज मिश्रा। साथ में फोटो दिखाई गई है। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जयपुर राज्य की राजधानी है। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेट की तरफ। तो अगला स्टेट आता है हमारा सिक्किम, जिसका कैपिटल है गैंगटोक। श्री पी एस गोले यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गंगा प्रसाद जी यहाँ के गवर्नर हैं। यह है चीफ मिनिस्टर और ये हैं गवर्नर। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला 22वां राज्य है। हिमालय की आंतरिक पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये देश पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। अगला स्टेट आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं थिरु एडापड़ी के पलन स्वामी और गवर्नर हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु भारत के एक दक्षिण राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है तमिल। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री
एड्डापड़ी पल्लन स्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला राज्य आता है तेलंगाना, जिसका कैपिटल है हैदराबाद। श्री के चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और तमिल साई सुंदरा राजन यहाँ के गवर्नर हैं। तेलंगाना नाम तेलुगु वांगना शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है जो जगह जहाँ तेलुगु बोली जाती हो। निज़ाम 1924 से 1948 ने तेलंगाना शब्द का इस्तेमाल अपने राज्य में मराठी भाषा क्षेत्रों से अलग करने के लिए किया था। मीन्स मराठी जहाँ पे मराठी बोली जाती थी उनसे अलग होने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा, यहाँ का कैपिटल है अगरतला। श्री बिप्लब कुमार देव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और रमेश वैस यहाँ के गवर्नर हैं। अब त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी सीमा स्थित भारत का एक राज्य है। ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 10,819 वर्ग किलोमीटर है। 1956 में ये भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला। अगला स्टेट की बात करते हैं। अगला स्टेट है यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, जहाँ का कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। श्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ये राज्य उत्तर में नेपाल को छूता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये राज्य 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़ा राज्य है। अगले राज्य की बात करते हैं। तो अगला राज्य है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर हैं। अब बात करते हैं यहाँ उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड का पूरा नाम उत्तरांचल था। उत्तराखंड का निर्माण 7 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात हुआ। भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया। सन 2000 से 2007 तक ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और उसके बाद इसको उत्तराखंड का नाम दे दिया गया। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है हमारा वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़। साथ में फ़ोटो दिखाई गई है ममता बनर्जी की और जगदीप धनखड़ जी की। आइए वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पश्चिमी बंगाल भारत के पूर्व भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार जैसे अन्य राज्य हैं। यहाँ की राजधानी है कोलकाता और इस राज्य में 23 जिले हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आगे मैं आपके लिए और ऐसी कुछ रोचक जानकारी लेके आऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ पार्ट 3 में। जो हमारे स्टेट यूटी बसते हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे और तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आपसे एक ही बात करूंगा कि अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल ड्रीम्स पे एकेडमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।